शिक्षक मित्रों एवं प्राचार्य साथियों नमस्कार। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने होते हैं। इन कार्यों में से बहुत सारे कार्यों का संबंध मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पोर्टल से होता है और इन कार्यों को पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करना होता है। कार्यों की इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा पोर्टल में किया जाने वाला छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य। शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति से संबंधित जो कार्य आप करते हैं, इसमें से इन सारे कार्यों को चरणबद्ध तरीके से चार प्रकार के कार्य करने हैं। इनमें से पहला कार्य है कक्षोन्नति अर्थात क्लास अपडेट, और यह कार्य आपको आपके विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके लिए करना होता है। पिछली कक्षा में उनका जो भी परीक्षा परिणाम होता है पास फेल, उसके द्वारा आपको उसे अगली कक्षा में कक्षोन्नति देनी होती है। दूसरा कार्य है जिसे हम मैपिंग के नाम से जानते हैं, और इस मैपिंग के कार्य में आपको नव प्रवेशी छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश देना होता है, यानी मैप करना होता है कि छात्र जो भी बाहर था वो आपके विद्यालय में आ गया। तीसरे प्रकार के कार्य का नाम है अनमैपिंग। इस कार्य के अंतर्गत आप किसी भी छात्र को अपने विद्यालय से अनमैप कर सकते हैं, अर्थात इसका सीधा संबंध होता है टीसी से कि जो छात्र आपके विद्यालय को छोड़ करके किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, अर्थात उनको आपको टीसी इशू करना होता है, तो ये टीसी मैनेजमेंट से संबंधित कार्य। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल अपडेशन। प्रोफाइल अपडेशन में आपके जो पुराने छात्र हैं जिनकी आपने कक्षोन्नति कर दी, और नए छात्र जिनको आपने प्रवेश दे दिया, मैप कर लिया, उन सभी छात्रों की जो कुंडली है उनका जो पूरा बायो डाटा है उस डाटा को अपडेट करने का कार्य कहलाता है प्रोफाइल अपडेशन। इन चारों कार्यों का आपस में पारस्परिक संबंध होता है, अर्थात इंटर रिलेटेड होते हैं। इनमें से पहला और दूसरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षोन्नति और मैपिंग। अगर ये दो कार्य आपने नहीं किया तो तीसरा अनमैपिंग और चौथा प्रोफाइल अपडेशन का कार्य संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम इन चारों टास्क, चारों कार्यों के बारे में लाइव डेमो के थ्रू आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चूंकि यह कार्य आपको ऑनलाइन करना है, इसलिए आपको शिक्षा पोर्टल पर विजिट करना होगा। तो किसी भी ब्राउज़र में आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउज़र में शिक्षा पोर्टल MP आप टाइप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात ये विंडो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात फिर से रिपीट करूँगा कि आपका जो एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड है उसी पासवर्ड और आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। शिक्षक भी कर सकते हैं और संस्था प्रमुख भी कर सकते हैं। तो शिक्षा पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको इन दो आइकन पर काम करना है। ये चारों टास्क आपके दूसरी रो में जो पांचवा आइकन है एडमिशन मैनेजमेंट, इसमें और स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इन दो आइकन में आपको सारा कार्य करना है। प्रथम जो तीन कार्य हैं कक्षोन्नति, मैपिंग और टीसी, उनका जो कार्य है वो एडमिशन मैनेजमेंट आइकन इस मॉड्यूल से आप कर सकते हैं, और चौथा जो अंतिम कार्य है वो आप स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं। पहला एवं दूसरा टास्क संपादित करने के लिए आपको एडमिशन मैनेजमेंट आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडमिशन मैनेजमेंट आइकन पर आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने होगा।
यहाँ पर आपका जो ये टैब दिख रहे हैं मेनू, इनमें से आपका जो पहला आपका एडमिशन मैनेजमेंट है और टीसी मैनेजमेंट है, इन दो आइकन पर आपको सारा कार्य करना है। कक्षोन्नति करने के लिए आपको एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पहला और दूसरा कार्य करने के लिए आपके पास ऑप्शन उपलब्ध होंगे। इसमें से आपको पहला जो काम करना है वो है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, यानी कक्षोन्नति का। पहले दूसरे उसमें क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और सीधा सा है कि आपको वर्तमान जो शैक्षणिक सत्र है उसे सेलेक्ट करना है 22-23, और यहाँ से आपको अपनी कक्षा चूज कर लेनी है। मान लीजिए कि आपने कक्षा चूज कर लिया 9वीं। अब ये 9वीं कक्षा प्रीवियस क्लास कहलाएगी। अब हम यहाँ जिन बच्चों की कक्षोन्नति करेंगे वो कक्षा 10 में आपके विद्यालय में मैप हो जाएंगे। यहाँ पर चूंकि हमने कक्षा 9 चूज किया है, अतः हमारे विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी जो कक्षा 9 में मैप है उनकी सूची दिखेगी। बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। यहाँ पर आपको 3 काम करने हैं, पास फेल और नॉट अप्लीकेबल, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर जाहिर है कि अगर बच्चा पास है तो पास पर क्लिक करिए, तो परसेंटेज यहाँ पर भरना पड़ेगा, और अगर बच्चा फेल है तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर बच्चा पास है तो वो कक्षा 9 से 10 में पहुंच जाएगा, वहां पर आपको दिखेगा, और अगर फेल है तो वो उसी कक्षा में दिखेगा। और अगर बच्चे का रिजल्ट सप्लीमेंट्री है, पूरक है, या रिजल्ट नहीं आया, तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करें। बस इतना सा काम आपको करना है। अब पास फेल ये सब करने के पश्चात जो स्कूल स्टेटस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम और अदर। तो अगर आपके विद्यालय में आप कक्षोन्नति कर रहे हैं तो वो सेम विद्यालय में रहेगा, और अदर तब आएगा जब वो जैसे कक्षा 12 का कोई विद्यार्थी है, जब उसको आप कक्षोन्नति करेंगे तो अपने आप ही अदर चूज किया हुआ आ गया। बस इतना आपको सावधानी बरतनी है। और ये समस्त बच्चों को कक्षोन्नति करने के पश्चात पास फेल नॉट अप्लीकेबल सबसे अंत में आपको पहुँच करके यहाँ पर कैप्चा एंटर करके जो आपको दिख रहा है ऊपर, और रजिस्टर स्टूडेंट्स पर क्लिक करना होगा। तो ये सारे बच्चे जो आपको स्क्रीन पर जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं 138, ये सभी बच्चे मैंने चूज किया है कक्षा 9, तो 9 के ये बच्चे थे वो कक्षा 10 में अपने आप पहुँच जाएंगे। और उन सब बच्चे वो सभी बच्चे जिनका आपने कक्षोन्नति कर दी है वो आपको अगली कक्षा में दिखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे कार्य पर, जिसका नाम होता है मैपिंग, और इसके अंतर्गत हम नए एडमिशन की एंट्री करते हैं। उसके लिए भी आपको एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा, और जो पहला ही ऑप्शन है न्यू एडमिशन, जो फॉर्मेट 1B कहलाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको चूंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र चल रहा है 22-23, ये चूज कर लीजिए, और दूसरे विद्यालय का जो बच्चा आपके स्कूल में प्रवेश ले रहा है उसकी समग्र आईडी यहाँ पर इंटर कीजिए। समग्र आईडी और कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे ही आप स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, उस बच्चे के संबंध में जो भी जानकारी के सामने आ जाएगी, वो बच्चा जिस विद्यालय में अभी तक मैप था वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगी। अब इस बच्चे को आपको अपने विद्यालय में मैप करना, तो सिंपल सा आपको अगला काम यहाँ पर करना होगा, सो स्कूल डिटेल। स्कूल डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब आपको इस बच्चे को अपने विद्यालय में मैप कर लेना है। तो जाहिर है कि भाई जिस कक्षा में आपने प्रवेश दिया हुआ है, आपका जो भी विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम चूज कर लेंगे, और जो नई कक्षा है जहां आपने प्रवेश दिया हुआ है वो चूज कर लेंगे, और जो पिछला रिजल्ट था पास है कि फेल है, पास वाले को एडमिशन दे रहे हैं कि फेल को, वो चूज करना होगा। अगर पास है तो यहाँ परसेंटेज भर दीजिए जो भी उसका परसेंटेज हो, और यहाँ पर जब आप एडमिशन देते हैं तो जाहिर है आपको उस बच्चे का स्कॉलर नंबर अलॉट करना होता है, वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, और इसके पश्चात कैप्चा इंटर करने के बाद एडमिट स्टूडेंट इन स्कूल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बच्चा आपके स्कूल में
एडमिट हो जाएगा, अर्थात मैप हो जाएगा उस कक्षा। जैसे यहाँ पर आपको कक्षा दिख रही है 11वीं, तो आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं में मैप हो जाएगा और जो पिछला उसका स्कूल था वहां से उसका नाम वैनिस अर्थात डिलीट हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम तीसरे टास्क अर्थात तीसरे महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है टीसी मैनेजमेंट और इसी को हम बोलते हैं अनमैप करना। अर्थात आप अपने विद्यालय से आप किसी कोई बच्चा अन्यत्र अध्ययन करना चाहता है, उसको आपने टीसी दिया तो चाहे तो उसको अनमैप करेंगे, वो जिस विद्यालय में जा रहा है वहाँ पर मैप होगा। मैं यहाँ रिपीट करूँगा मित्रों, ये टीसी मैनेजमेंट का कार्य जो है आप जिस शैक्षणिक सत्र के लिए आप कर रहे हैं, जैसे 22-23 के लिए, तो 22-23 में टीसी मैनेजमेंट और जो चौथा आपका कार्य है प्रोफाइल अपडेशन, ये कार्य तब होंगे जब आप पहला और दूसरा कार्य कर चुके होंगे। अगर आपने पहला दूसरा कार्य नहीं किया यानी कक्षोन्नति नहीं किया और तो उस शैक्षणिक सत्र के लिए आप टीसी मैनेजमेंट और प्रोफाइल मैनेजमेंट का कार्य नहीं कर पाएंगे, पहले दोनों कार्य करेंगे तब ये तीसरा कार्य। आइए समझते हैं इसको। टीसी मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ अगर आपने पहला दूसरा काम आपने नहीं किया तो 22-23 करेंगे तो काम नहीं होगा। जब आप पहला दूसरा काम कर लेंगे तब आपका ये कार्य होगा। शैक्षणिक सत्र और समग्र आईडी इंटर करने के पश्चात गेट स्टूडेंट डिटेल्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखाई पड़ेगा, जिसमें उस बच्चे का की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई पड़े। बस अंत में कैप्चा एंटर करने के पश्चात आपको सिंपली क्लिक करना है रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर अनमैप एंड टीसी। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे वो बच्चा आपके विद्यालय से सीधा कम से कम मतलब 24 घंटे के अंदर सामान्य रूप से वो अनमैप हो जाता। चौथा और अंतिम कार्य जो आपको करना होता है, जिसे आप कहते हैं प्रोफाइल अपडेशन, उसके लिए आपको जो ये आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर तीसरी रो के पहले आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो दूसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर पूछेगा। एकेडमिक ईयर आप चूज कर लीजिए, 22-23 अगर आप चूज कर रहे हैं तो ये तब काम करेगा जब आप पहला दूसरा तीसरा काम आप कर चुके हैं और बाकी बच्चों के लिए ये काम कर जाए। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए 21-22 चूज कर लिए और कोई भी एक बच्चा है, कैप्चा एंटर करिए और यहाँ पर अभी देखिए ये प्रोफाइल लॉक हो चुकी है, इसमें अपडेट नहीं की जा सकती। अब आप जब नए बच्चों को, क्योंकि मैंने 21-22 चुन लिया इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए। नए और वर्तमान सत्र में जब आप किसी बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उसके लिए आपको इस तरीके की जो विंडो है, इंटरफेस है, आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर उस बच्चे की पूरी कुंडली है जिसे आपको बहुत ही सावधानी से अपडेट करना है। ये चौथा और अंतिम टास्क है और ये टास्क करने के पश्चात आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कि आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और उस बच्चे को कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है उसका भी मैसेज मिलेगा। तो साथियों, नए शैक्षणिक सत्र के लिए फटाफट ये सारा काम कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नए वीडियो में, नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।